को देखा तो ये ख्याल आया। आज जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ ना, वहां पर ये गाना एकदम फिट बैठ गया, क्योंकि मुझे याद आ गई दिल्ली के इंडिया गेट की, लखनऊ के रूमी दरवाजे की, हैदराबाद के चार मीनार की और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की। और ये जो आइकॉनिक टावर होती है ना, ये पहचान देती है किसी भी सिटी को। और उसी तरीके से आज जहाँ मैं जा रही हूँ वो भी पहचान है हेलसिंकी की। द मोस्ट आइकॉनिक एंड द सिम्बॉलिक प्लेस इन हेलसिंकी इज दिस कैथेड्रल। तो यहाँ पहुँचते ही मुझे ये हॉप हॉप जो साइट सीन कराने वाली बस है ये दिख गई, और इसे देखते ही ना मुझे एकदम गेटवे ऑफ इंडिया याद आ गया, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह की एक साइट सीन बस चलती है जो कि ऊपर से ओपन होती है। इसके बारे में भी पता करेंगे आगे, पहले चलते हैं कैथेड्रल के पास। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये पूरा यहाँ का एक नजारा। बस थी ना, उस बस का क्या टिकट है, क्या प्राइस है, वो सिटी टूर कैसा सिटी टूर कराते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर पता करते हैं। यहाँ पर बात करके हमें ये पता चला कि जो बस है ये साइट सीन कराती है पूरी हेलसिंकी सिटी का, और पूरा जो स्पॉट्स है वो कवर करती है। साथ साथ जो फेरी है, फेरी भी पूरी हेलसिंकी के जो स्पॉट्स हैं उनको कवर करती है। तो आप कोई भी राइड ले सकते हैं, इधर आप फेरी राइड लें या ये बस की साइट सीन करें। और जो चार्जेस थे वो करीब करीब 40 यूरोस पर पर्सन था, चार्जेस था। तो यहाँ हमने पता कर लिया और अब मैं आ गई हूँ उस बस को अंदर से देखने के लिए, वो बस कैसी है। तो देखिए ऐसे दिखती है ये बस, यहाँ पर इस तरीके से सीट हैं और यहाँ देखिए इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हैं जैसे वो ओपन बस होती है ना। और ये देखिए ये पूरा है ओपन, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट। और ना ये वाली जो बसेस है ना, ये फिलहाल तो मैंने अभी गेटवे ऑफ इंडिया पर देखी थी, वहाँ से चलने लगी हैं साइड टूर के लिए मुंबई में। ये जो बसेस है ना, ये मैंने हमेशा बाहर की, हम जब पिक्चर्स देखते थे ना मूवीज़, उसमें देखती थी मैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और हमने अभी पूछ भी लिया है इनसे कि टूर कैसा, मतलब क्या क्या चार्जेस रहेंगे टूर के। तो बस एक लुक दिखाना था आपको, यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं और शायद देखिए आगे से भी हैं, तो आप फ्रंट में बैठ सकते हैं। और यहाँ से भी देखिए सीढ़ियाँ हैं बाहर जाने की, तो आप नीचे भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं। इधर ये ड्राइविंग सीट रहेगी। सो ये हो गया इस बस का लुक। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। थोड़ी थोड़ी ना मुझे मुंबई की, मुझे लाइब्रेरी है ना, तो यार वो गेटवे ऑफ इंडिया के पास थी जो लाइब्रेरी, उसकी थोड़ी थोड़ी झलक लग रही है। वो भी ऐसे ही बनी हुई है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली ऐसी है। मैं देखिए फर्स्ट साइड में मैंने फोटो डाल दी है, बिल्कुल आपको ऐसी ही दिखेगी। और ये जो आपको पीछे बस दिखाई थी ये भी सेम वहाँ पर चलने लगी है गेटवे ऑफ इंडिया के पास। और ये जो स्टैचू है ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट, वहाँ लिखा भी है अलेक्जेंडर सेकेंड। और इनकी कहानियाँ जो हैं वो हमने अपने पढ़ी होगी, जो भी इंडियन है सबने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ी होगी, इवन सब में ही पढ़ी होगी। और चलिए पूरा आपको दिखा देते हैं यहाँ का ओवरऑल लुक। और अब चलते हैं अंदर चर्च में। दूर से कैथेड्रल जितनी खूबसूरत दिखाई दे रहा था, उससे भी ज्यादा खूबसूरत इसका आर्किटेक्ट पास से दिखाई दे रहा था। चर्च उतना ही ब्यूटीफुल है
जितना ये बाहर से दिखती है। जो पब्लिक टॉयलेट्स थे ये यहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स हैं और काफी क्लीन भी हैं। देखिए तो यहाँ पर 3 या 4 बने हैं और यहाँ देखिए पेपर भी है, पूरा हैंड वॉश वगैरह भी है और ये मिरर। तो चलिए बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। आपको ना काफी हवा की आवाज आ रही होगी पीछे वीडियो में, क्योंकि काफी हवा चल रही थी और क्योंकि ये हाइट पे है चर्च तो इसलिए हवा तेज थी। और ये जो सीढ़ियां हैं, जो स्टेयर्स बनी हैं, ये तो स्पॉट है, यहाँ पर लोग बैठना पसंद करते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड पसंद करते हैं यहाँ पर करना। और यहाँ पीछे मैंने देखा था एक म्यूजिक शो की भी तैयारी हो रही थी, शायद वो अपना बैंड वगैरह लगा रहे थे। बाकी अब हमने यहाँ पर एंजॉय खूब कर लिया, काफ़ी टाइम भी हो गया और कुछ खाने का भी मन था, तो जा रहे हैं आइसक्रीम खाएंगे और उसके बाद चलेंगे घर। I'm not familiar about the term lacris, but it's lacris. Yeah. You don't know what is lacris? No. So, एक लैक्रिस टेस्ट है, कोई फ्लेवर है यहाँ पर, उसको हम अभी टेस्ट करने वाले हैं। So, यहाँ पर ये ट्राई करा रहे हैं अंकल। तो यहाँ पर अंकल ने हमें एक लैक्रिस फ्लेवर टेस्ट कराया जो कि काफी बेकार था, हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने दूसरी ले ली। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतने ओल्ड एजड अंकल भी यू नो आइसक्रीम पार्लर चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सबसे अच्छी बात थी। तो ये हो गया हेलसिंकी का कैथेड्रल टूर और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।